गवर्नमेंट साहब की जो बुक है उसके चैप्टर 3 में हम हैं। इसमें ग्रोथ ऑफ फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा या आपके दिमाग में जब ये सब चीजें चलेंगी कि कोई एल्गोरिथम आपने बनाया है, कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा नॉन एफिशिएंट है, इसमें क्या शब्दावली यूज करनी है, क्या चीजें आपके और दूसरे सॉफ्टवेयर पर्सन के बीच में कॉमन होनी चाहिए, तो ग्रोथ ऑफ फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। उसमें आज ग्रोथ ऑफ फंक्शंस को उस तरीके से नहीं देखेंगे, बल्कि जो हम आगे जो और चैप्टर्स करने वाले हैं उसमें जो चीजें यूज होंगी वो हम आज उस पर बात करेंगे। तो हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं फंक्शन की इन द लिमिट, उसे हम एसिम्प्टोटिक एफिशिएंसी कहते हैं। हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ फंक्शंस और साथ में जो लो ऑर्डर टर्म्स हैं, कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, उन्हें हम नज़रअंदाज करेंगे। देखेंगे कि रनिंग टाइम जो एल्गोरिथम का है वो किस तरीके से आएगा, कैसे इंडिकेट किया जाएगा। साइजेस देखेंगे, कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं फंक्शंस को, जैसे ये बिग ओ है, ओमेगा है बिग ओमेगा, स्मॉल ओ स्मॉल ओमेगा और ये थीटा। तो इसमें बिग ओ में देखिए लेस देन इक्वल टू है, स्मॉल ओ में आपको लेस देन है, यानी कि ये ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, ये कम रिस्ट्रिक्टिव है, इक्वालिटी की आपको पॉसिबिलिटी दे रहा है। ओमेगा में आप ग्रेटर देन इक्वल टू है, जबकि स्मॉल ओमेगा में ग्रेटर देन है, यानी कि ये ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है नीचे वाला। थीटा यानी इक्वालिटी। तो एसिम्प्टोटिक नोशन में अगर आप नोटेशन में बिग ओ नोटेशन देखें तो कोई भी फंक्शन एफ एन की जब बात करें तो वो ऑर्डर ऑफ जी एन होगा, जब एफ एन इस जी एन जो कि किसी भी कांस्टेंट सी से जो ग्रेटर देन जीरो हो उससे मल्टीप्लाई करने पर एफ एन का अपर बाउंड बन जाए। ये एन जीरो क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर हमने एन ग्रेटर देन एन जीरो क्यों लिया हुआ है, क्योंकि एन जीरो के पहले आप देखेंगे ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं, इसके आगे एन जीरो के आगे ये कभी कट नहीं कर रहे, हमेशा सी जी एन एफ एन से बड़ा रहेगा। तो सी जी एन एफ एन से हमेशा बड़ा रहेगा, अगर ये सी जी एन यानी कि जी एन एफ एन से बड़ा है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन एफ एन का जो अपर एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड है वो ये एफ एन है फंक्शन। तो अगर हम ये कहें कि एफ एन बिलोंग्स टू ओ ऑर्डर ऑफ बिग ऑर्डर ओ ऑफ जी एन, तो हम रीराइट इसको कर सकते हैं, एफ एन इज ऑर्डर ऑफ जी एन। बस यही आपको समझना है कि एफ एन का जो भी फंक्शन है उसका एक और फंक्शन जो उसको अपर बाउंड कर रहा है उसे हम बिग ओ नोटेशन में लिखेंगे। जैसे आप देखिए एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर प्लस एन है, एन स्क्वायर है प्लस थाउजेंड एन, और इसी तरीके से एन एन बाय हंड्रेड, ये सारे के सारे आपको ऑर्डर बता रहे हैं, ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, ये ऑर्डर ऑफ एन है। अगर हम ये लिखें टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन क्यू, और सी को वन और एन जीरो को टू रखें और यहाँ रख के देखें इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये इसका अपर बाउंड बन रहा है एन क्यू टू एन स्क्वायर का। तो अब ओमेगा नोटेशन देखते हैं, ओमेगा नोटेशन बिल्कुल उल्टा है बिग ओ का, इसमें जो सी जी एन है वो नीचे है और ये एफ एन को लोअर बाउंड से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लोअर बाउंड है इसका। अगेन हमने सी और एन जीरो जो लिए हैं ये कुछ चीजें आप बताते हैं, जैसे एन जीरो ये बताता है कि जो भी एन आप लेने वाले हैं यहाँ पर वो हमेशा एन जीरो से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज ये चीजें आपस में कटेंगे। तो यहाँ पर ये इसका लोअर बाउंड नहीं है, बट इसके आगे सी जी एन एफ एन का लोअर बाउंड है, और सी जी एन भी नहीं कहूंगा मैं, जे एन कहूंगा। तो इसको लिखते ही मैं जानता हूं कि एफ एन इज लोअर बाउंडेड बाय दिस जी एन, तो मैं यहाँ पर इस नोटेशन को क्या करूंगा, ओमेगा लिख सकता हूँ। अब थीटा पे आइए, थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब ये है कि फंक्शन जिसकी बात हो रही है वो बाउंडेड है जी एन से, लेकिन सी एन और सी वन सी टू दो कॉन्स्टेंट है जो इसको अपने बीच में ला रहे हैं। अगेन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो होगा, तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं तो एन जीरो तो खैर इसके आगे ही बात होगी, क्योंकि हम एन जो है छोटी वैल्यूज के लिए नहीं देख रहे हैं, एन के बारे में हम बात कर रहे हैं जब एन बहुत बड़ा वैल्यू है, एक वैल्यू जिसके आगे के बारे में हम एफिशिएंसी करते हैं। छोटे नंबर्स छोटे इनपुट वैल्यूज के लिए तो सारे इंसर्शन सॉर्ट भी मर्ज सॉर्ट से अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन जब बड़ी वैल्यू होगी तब मर्ज सॉर्ट की बात आती है। तो एफ एन जो है वो जी एन और जी एन जिसमें सी वन और सी टू दो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं इनके बीच में रहेगा, इसे हम कहते हैं एसिम्प्टोटिकली एफ एन इज टाइट बाउंडेड बाय जी एन। अगर हम इसको देखें और यहाँ पर सी वन और सी टू को ये रखें तो हम देखेंगे कि वाकई में ये फंक्शन एन स्क्वायर इस फंक्शन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बाइंड कर रहा है। एक थ्योरम है इसमें, अगर एफ एन थीटा ऑफ जी एन है तभी हो सकता है जब एफ ऑर्डर ऑफ जी एन हो और एफ ओमेगा जी एन भी हो, यानी कि ऊपर और नीचे अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों ही इसके। मैं एक बार और आप लोगों को ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं और लोअर ऑर्डर टर्म्स हैं इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमारी नज़र रहेगी लेकिन हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे जहाँ तक कि हम एसिम्प्टोटिकली बाउंडेशन की बात कर रहे हैं। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में इसे रखें तो कैसा फ़र्क पड़ेगा। देखिए अगर मैं इसको केवल ये बोलता हूँ कि ऑर्डर ऑफ आई है कोई भी वन से लेकर एन तक, तो मैं एक ओके कह सकता हूँ इसको, क्यों, जब मैं इसको ओ वन प्लस ओ टू प्लस इस तरीके से लिखूंगा तो ये ओके नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स अंदर हैं, इसका क्लियर इंटरप्रिटेशन आपको नहीं मिल रहा है, यू हैव टू राइट लाइक दिस एंड क्रिएट सम कॉन्स्टेंट है,
तब ये लागू होगा, तब ये सही तौर पे दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि ये 2n² + 3n + 1 है और मैं 3n + 1 को मैं बोल रहा हूँ ये ऑर्डर ऑफ n है, तो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2n² किसी भी सूरत में इस n को बीट करने वाला है। ये जब ग्रो करेगा तो n इसके सामने बहुत कम तर तरीके से ग्रो करेगा। अब स्मॉल ओ पे आते हैं। स्मॉल ओ नोटेशन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव है, यहाँ पर ये लेस देन बोलता है, जब जो हमने बिगो में देखा था लेस देन इक्वल टू में, इसको बाकी सब बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल अगर आप देखें, एक बहुत ही सही तरीका है इसको लिखने का, fn/gn, अगर इसको लिमिट n टू इन्फिनिटी हम एक्सटेंड करें तो fn/gn ये आपका जीरो हो जाएगा। और अगर आप ओमेगा नोटेशन की बात करें, जो कि आपका लोअर एसिम्प्टोटिक बाउंड है लेकिन टाइट बाउंड है, ये इन्फाइनाइट होगा अगर n को इन्फिनिटी fn/gn करें तो। इस केस में n की पावर 1.99 है तो हम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लिख देंगे इसे, और यहाँ पर n की पावर 2.001 है तो हम 3 की जगह जाने की जगह यहाँ पर ओमेगा n स्क्वायर लिख देंगे। यही अंतर है। कभी भी आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे n स्क्वायर इज स्मॉल o ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं, रिस्ट्रिक्टिव है, तो ये कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि कभी दो क्या दो से अनइक्वल हो सकता है, दो हमेशा दो से बराबर होगा। इसी तरीके से आप अगर n स्क्वायर को ओमेगा n स्क्वायर लिख रहे हैं तो यह गलत हो जाएगा। उसका कारण ये है, यहाँ पर आपका टाइट बाउंड है, इक्वालिटी की कोई संभावना नहीं। कंपैरिजन देखें फंक्शंस का, इसमें ट्रांजिटिविटी है, रिफ्लेक्सिविटी है, सिमेट्री है, रिफ्लेक्सिव, ये इन तीनों को हम जब मिला के बोलते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप बनता है। अगर fn और थीटा ऑफ gn है और gn थीटा ऑफ hn है तो सीधा fn थीटा ऑफ hn हो जाएगा, मतलब fn विल बी थीटा ऑफ hn। रिफ्लेक्सिटी बताता है कि fn इज थीटा ऑफ fn। सिमेट्री बताता है कि fn अगर थीटा ऑफ gn है तभी ये पॉसिबल है gn भी थीटा ऑफ fn। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि fn जब ऑर्डर ऑफ gn है तभी पॉसिबल है gn ओमेगा ऑफ fn, यही कारण इनके लिए छोटे वालों के। तो अगर fn एसिम्प्टोटिकली कम है gn से, इसका मतलब fn स्मॉल ऑफ gn है, और एसिम्प्टोटिकली लार्जर है तो gn fn सीधी सी बात है कि ओमेगा ऑफ gn है। अब अगर आप इस तरीके से करना चाहें कि n की पावर 1 + sin n को देखना चाहें और n को कंपेयर करना चाहें, तो आप जानते हैं 1 + sin n sin x या sin थीटा कहां तक वेरी करता है, -1 से 1 तक। वैल्यू डाल के देख लीजिए, -1 से 1 तक आपको 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 0 से 2 के बीच में ऑसिलेट करने वाला है, तो n की पावर 0 n की पावर 2 इसके बीच में ऑसिलेट करेगा। अब स्टैंडर्ड नोटेशंस fn, हम मोनोटोनिसिटी की बात करेंगे आगे चल के। जो फंक्शन है ये मोनोटोनिसिटी, जब जहां मैं बोलूंगा मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है, तो इसका संदर्भ इस तरीके से होगा कि जब मैं m को बोलूंगा कि m ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है, इसका तात्पर्य यह है कि इंक्रीजिंग के समय m लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि फंक्शन ऑफ m विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू fn। डिक्रीजिंग का मतलब जब m बढ़ रहा है, m n से ज्यादा है तो fn भी fn से ज्यादा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है n लेस देन n है तो fm लेस देन n है, बस लेस देन इक्वल टू का लेस देन या इक्वल टू केवल हमने कर दिया। अब एक्सपोनेंशियल की कुछ अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, तो मैं अगर a की पावर -1 करूं तो ये 1/a हो जाएगा, a की पावर m इंटू n बाहर में ब्रैकेट के n हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर m और a की पावर n लिखूं तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको बताता हूं कि n टू द पावर b बाय a टू द पावर n, इसका मतलब ये है कि n b जो है वो ऑर्डर ऑफ स्मॉल ऑर्डर ऑफ स्मॉल o ऑफ a टू द पावर n है, जब n इनफाइनाइट से तक रीच करे। इसी तरीके से e टू द पावर x अगर ग्रेटर इक्वल टू 1 है, जहां x 0 तक पहुंचेगा वहां सीधी सी बात ये 1 प्लस x ही बन जाएगा, ex will get closer to 1 plus x। लॉगरिथम बहुत यूज करने वाले हैं, अगर जहां पर LGL लिखेंगे इसका मतलब हमारा बेस 2 है, जहां पर आप LNN लिखेंगे इसका मतलब बेस e है, इसको बाइनरी एल्गोरिथम कहते हैं, लॉगरिथम कहते हैं इसको, नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। लॉग की पावर kn है, लॉग के ऊपर अगर k दिख रहा है तो इसका सीधी सी बात है, पहले आप लॉग निकालेंगे उसके बाद k देंगे इसको पावर। लॉग ऑफ लॉग n का मतलब ये पहले a लॉग n निकालेंगे फिर ये लॉग। इसी तरीके से अगर मैं ये लिखता हूँ लॉग एन प्लस के, इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा, कभी ये नहीं होगा कि लॉग एन प्लस ए की बात हो रही है, लॉग एन अलग से निकलेगा फिर के उसमें जुड़ेगा। जब लॉग ए के बारे में बात हो रही है तो बेस भी जरूरी है, बी आपका बेस है यहाँ पर, लॉग बेस बी ए। इसी तरीके से अगर मैं ए टू द पावर ए को बोलूँ बी टू द पावर लॉग बी ए है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि ये बी और बी पावर एक ही है, तो ए इसका मतलब ए ही होता है। अगर मैं यहाँ देखूँ ए इंटू बी है तो दोनों को जोड़ सकता हूँ, अगर मैं देखूँ कि एन पावर है तो एन को बाहर ला सकता हूँ या फिर प्रीफिक्स में लिख सकता हूँ। लॉग बी बाय ए कोई एक कांस्टेंट, कोई एक अलग सा बेस लेके मैं ए बाय बी कर सकता हूँ इसको, 1/a को मैं माइनस लगा के ऊपर ला सकता हूँ, इसे ए को ऊपर ला सकता हूँ। अगर लॉग बी ए है इसका मैं दोनों को चेंज करके बेस और इंडेक्स को चेंज करके 1/log b a लिख सकता हूँ। ए टू द लॉग बी सी है तो मैं ये ए और सी की जगह चेंज कर सकता हूँ। तो देखिए अगर मैं ये सब चीज़ें करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हम एल्गोरिथम में जाएंगे तो एल्गोरिथम में लॉगरिथम का कितना उपयोग है, ये आप देखेंगे।
फैक्टोरियल्स की अगर बात करें, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है एक से लेकर उस नंबर तक जाना जो इसका फैक्टोरियल निकालना है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका एक स्पेशल केस होता है जिसमें फैक्टोरियल जीरो आपका वन होता है। आप स्टर्लिंग की अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन है। इसमें आराम से आप लॉग एन फैक्टोरियल को अगर डालें आप देखेंगे इसका उत्तर आएगा एन लॉग एन। तो ये हमने बात की जो चैप्टर इसमें थ्री है आपके कोर्वन में, और आगे बहुत जबरदस्त चीज आने वाली है, उसके लिए बेसमेंट तैयार किया गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।